हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ फ्रूट क्रीम। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप फ्रेश क्रीम, इलायची पाउडर। गार्निश के लिए मैंने लिए हैं एलमंड्स चॉप किए हुए, गोल्डन रेजिन्स, ब्लैक रेजिन्स और चेरी। फ्रूट्स में मैंने लिया है हाफ एप्पल चॉप कर लिया है, चॉप किए हुए स्ट्रॉबेरी, हाफ बनाना, अनार के दाने और ग्रेप्स। तो पहले हम क्रीम को ब्लेंड करेंगे। तो क्रीम को मैं पहले बाउल पे निकाल लेती हूँ। क्रीम को आप हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, मशीन से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। क्रीम काफ़ी थिक है अभी। हम इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। क्रीम बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है। पतली कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है इसकी, थोड़ी सी हम थिक रखेंगे इसमें। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। अगर आपको इलायची पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना तो बस एक पिंच ही आप इसमें ऐड कर लें। 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर रही हूँ, जो क्रीम को स्वीटन टेस्ट देगा और हेल्दी भी रखेगा। बहुत ही हल्का सा मैंने ब्राउन शुगर इसमें स्प्रिंकल किया है। क्रीम को बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं करना, क्योंकि नेचुरल स्वीट इसमें हम डाल रहे हैं, यानी कि फ्रूट्स इसमें हम डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मीठा करने की इसे ज़रूरत नहीं है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से क्रीम को। हनी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें फ्रूट्स डाल देंगे। फ्रूट क्रीम बच्चों को बहुत पसंद होती है, बड़ों को भी बहुत पसंद होती है। घर में बच्चों की पार्टी है तो इसे बना सकते हैं आसानी से, या एज अ डिजर्ट सर्व कर सकते हैं गेस्ट को। फ्रूट्स आप और ऐड कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी सीजनल हो। फ्रूट्स ऐड हो गए हैं सारे, अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं वनीला एसेंस, जो फ्रूट क्रीम को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, बहुत अच्छा टेस्ट देगा, बिल्कुल वनीला आइसक्रीम की तरह। एक बार फिर इसे मिक्स कर लेंगे।
फ्रूट क्रीम को आप ऐसे भी खा सकते हैं और फ्रिज में ठंडा करके भी खा सकते हैं। तैयार है हमारी लो कैलोरी फ्रूट क्रीम बहुत सारे फ्रूट्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।